नमस्कार, मैं रचना शर्मा जर्दी कलर एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जारी कोरोना संकट के बीच आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पिछली बार की तरह ही हमें इस बार फिर से कोरोना की लड़ाई साथ मिलकर लड़नी है। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी नहीं भूलना है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के दिशा निर्देश पर 551 समर्पित मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। पीएम ने निर्देश दिया है कि इन प्लांट को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को प्रमुख बढ़ावा देंगे। इसके लिए पीएम फंड के केयर से दिया जाएगा और फंड पीएम केयर फंड की शुरुआत देश में अतिरिक्त 162 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। देश में कोरोना वायरस का कहर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश की हालत इतनी खराब है कि हर दिन कोरोना के आंकड़े नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में मृतकों की संख्या 1,92,311 हो गई, जबकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,69,60,172 हो गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि अभी भी राज्य के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। और इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने देश के सभी सीएम को पत्र लिखा है कि अगर उन राज्यों में ऑक्सीजन मौजूद है तो हमें दी जा सकती है। बता दें कि इससे पहले सीएम ने बढ़ते केसों को देखते हुए एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। बढ़ते कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन की किल्लतों के बीच रविवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी अस्पताल, चाहे वह निजी हो या फिर सरकारी, मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के संबंध में जरूरी निर्देश देते हुए कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि जिसे भी अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत हो उसे बेड मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा है कि सिस्टम फेल हो गया है और इसलिए वे सभी राजनीतिक गतिविधियों को छोड़ कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में लोगों का साथ दें। उन्होंने कहा है कि यह वक्त लोगों की बेहतरी के बारे में बातें करने का है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया है जब देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के खारदा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार काजल सिन्हा का रविवार को निधन हो गया है। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थी। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही ममता ने काजल सिन्हा के निधन पर शोक प्रकट करते हुए उन्हें उनके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मचे हाहाकार को देखते हुए पाकिस्तान ने मदद की पेशकश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वर्तमान लहर के मद्देनजर भारत के लोगों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर राहत व समर्थन की पेशकश की है। बता दें कि पाकिस्तान सरकार की ओर से मदद की पेशकश से पहले ईदी फाउंडेशन सामने आया था। इस फाउंडेशन ने भारत में कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद करने का ऑफर दिया था। कोरोना महामारी की दूसरी लहर भारत पर बहुत भारी पड़ रही है। संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों ने देश समेत दुनिया को भी चिंता में डाल दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में कोविड-19 संकट के प्रसार को मार्मिक बताया। उसने विश्व समुदाय से आगे आने और भारत को संकट से बाहर निकालने की अपील भी की। ग्रेटा ने कहा कि विश्व समुदाय को जरूर आगे आना चाहिए और फौरन जरूरी मदद मुहैया कराएं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 20 जिलों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। गांव की सरकार चुनने के लिए चुनाव वाले जिलों में कल शाम 5 बजे प्रचार समाप्त हो गया। इन जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। शाम 6 बजे जितने लोग लाइन में लगे होंगे उन्हें वोट देने दिया जाएगा। कुल 3,05,71,613 मतदाता इन सदस्यों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदाता 49,799 केंद्रों में अपने वोट डालेंगे। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।